लोग व्हाट इफ सीरीज का चौथा एपिसोड जहां पे ये कहानी आती है डॉक्टर स्ट्रेंज की कि अगर वो अपने हाथ खोने की जगह क्या होता कि अगर वो अपना दिल खो बैठते, मतलब कि लिटरली हाथों के कंपैरिजन में दिल ना खोना, मतलब कि मेटाफोरिकली दिल खो देते तो। और ठीक यहां भी इस कहानी में यही होता है। कसम से यार इस कहानी ने मेरा दिल छुआ। मैं बता रहा हूं कि भाई इस कहानी के पास वो अपना दिल था, वो इमोशन फील करा पा रही थी, वो स्ट्रगल कि बार बार मेहनत जब बंदा करता है कि बार बार हारने के बावजूद भी जान रहा है मुमकिन नहीं है मगर फिर भी मैं अपने आखिरी एटम तक ट्राई करूंगा, वो ये कहानी पूरा फील करा देती है। इसके अलावा भी हमें और कुछ भी सारी चीजें देखने को पता चलती हैं कि जैसे वॉचर का एक्चुअल में अपनी यूनिवर्स में एक बार मेंशन देखने को मिलता है मगर उसके भी सिनेरियोस कुछ डिफरेंट से होते हैं। तो एक्चुअली में जब शुरू से कहानी शुरू होती है तो भाई वही सब सारे सिनेरियोस होते हैं मगर थोड़ा सा व्हाट इफ करके, ये क्या हो इस बार डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी हाथ खोने की जगह अपना दिल खो देते, दैट मींस कि वो अपना प्यार यानी कि वो क्रिस्टीन को खो देते और इस व्हाट इफ यूनिवर्स में वो मोटिवेशन क्रिस्टीन ही थी जिसकी वजह से ये अपने स्टीफन स्ट्रेंज आगे चल के डॉक्टर स्ट्रेंज बनते हैं। तो ठीक यहां भी अपने ओरिजिनल यूनिवर्स की तरह सारी चीजें वही तरह टेक प्लेस कर रही होती हैं। उन्होंने अपने मैजिक को सीखा, बस उनको वो अपना ओरिजिनल क्लॉक नहीं मिलता वरना बाकी सारी चीजें ओरिजिनली हुई थी। उन्होंने डोरमामू को भी हरा दिया टाइम स्टोन का यूज करके मगर ठीक उनके प्यार का जब सेकंड एनिवर्सरी के दिन जब वो रात में उसका शोक मना रहे थे तो उनकी एक चॉइस ने पूरी की पूरी कायनात को बदल के रख दिया। मतलब कि जब उनके हाथ में वो पावर थी वो सोचे कि वो सारी चीजों को दोबारा से ठीक कर सकते हैं एक अलग पाथ को चूज करके और इस बार उन्होंने वो डिसीजन ले लिया। वो पास्ट में गया अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, उसे बचाने के लिए कि अब मैं कुछ और करूंगा, अब गलत नहीं करूंगा, अब कुछ और रास्ता चुनूंगा मगर मैं उसे मरने नहीं दूंगा, मैं बार बार ट्राई करूंगा, हर बार ट्राई करूंगा, अलग तरीके से ट्राई करूंगा, चाहे तो नहीं ही जाऊंगा वहां पे मगर मैं उसे बचा के रहूंगा। और इतना करते करते सैकड़ों अटेम्प्ट्स उन्होंने कर दिए मगर एक भी बार वो उसे बचा ना सके। और ठीक इसी सीन का कॉन्ट्रास्ट अपने को बहुत ही पुरानी टाइम मशीन मूवी से देखने को मिलता है जहां पे ठीक ऐसा ही यही कहानी में भी हुआ था मगर खैर फिर भी वो डॉक्टर स्ट्रेंज की बातें कर रहे हैं। जब बार बार हारने के बाद वो निराशा उनके हाथ ही में मिली उनके ऑलमोस्ट लास्ट ट्राई के दौरान में जहां उनके फ्रस्ट्रेशन दिखती है कि वो कितना टूट चुके हैं, कसम से बैकग्राउंड म्यूजिक इतना माहौल बना देता है कि यहां लगने लगती है। उसके बाद ही उसी सीन के दौरान में अपनी एंशिएंट वन आते हुए नजर आती हैं जहां पे वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती हैं कि कैसे वो अपनी वो किस्मत को बदल नहीं सकती, सारी चीजें ऐसी ही होनी थी, वो उसका मरना वापस नहीं लेके आ सकते। डॉक्टर स्ट्रेंज ने एंशिएंट वन से रिक्वेस्ट भी किया मगर वो कर नहीं सकती मगर अपने स्टीफन स्ट्रेंज हार मानने वालों में से कहा है, वो अभी भी कोशिश करेंगे, ऐसे नहीं तो किसी और तरीके से करेंगे मगर हार नहीं मानेंगे। और इसी बात को सुनते हुए एंशिएंट वन ने डॉक्टर स्ट्रेंज को समझाया कि जो तुम तरीका अपना रहे हो, जो तुम करने जा रहे हो उससे तुमको निराशा ही मिलेगी, डेथ और डिस्ट्रक्शन ही मिलेगा, किसी का कुछ फायदा नहीं है। मगर फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज उनकी बात नहीं मानते क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ करा जा सकता है। एंशिएंट वन के स्ट्रॉन्गली मना करने के बावजूद भी डॉक्टर स्ट्रेंज अब डिसीजन ले चुके थे कि अब मैं तो हार नहीं मानने वाला। और वहां पे एंशिएंट वन उन्हें रोकने की कोशिश भी करती है, उन पे एक अटैक भी करती है मगर वहां से अपने डॉक्टर स्ट्रेंज निकल जाते हैं। अब देखो एंशिएंट वन का ये इंटेंशनल अटैक थोड़ा सा स्पेशल भी था, इसके बारे में हमें आगे देखने को पता चलता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के एंशिएंट वन से भागने के बाद वो लॉस्ट लाइब्रेरी ऑफ कैलियोस्ट्रो की खोज में जाते हैं क्योंकि वहां पे उनको सारी किताबें देखने को मिलेंगी, वो भी इन डिटेल और डेप्थ की, उनके सारे सवालों के जवाब वहीं मिल जाएंगे। और अब ठीक लॉस्ट लाइब्रेरी ऑफ कैलियोस्ट्रो की खोज में वो एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहां उनकी मुलाकात ओबैंग से होती है जो कि कैलियोस्ट्रो लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन था। अपने डॉक्टर स्ट्रेंज के थोड़ा सा अटपटी देखरेख में, मतलब कि जिस तरीके से वो पहन के आए थे, वो अरमानी का सूट पहने होते हैं, तो ओबैंग भी उन्हें अरमानी कह के बुलाता है, डॉक्टर अरमानी। खैर फिर भी ये सारे सीन्स तो छोटे-मोटे ह्यूमरस सीन थे मगर अभी भी डॉक्टर स्ट्रेंज पूरी तरीके से यहां पे इविल नहीं हुए हैं, वो थोड़ा सा गुस्सा दिखा रहे हैं मगर अभी भी उनके दिल में वो भावना है दूसरों के केयर करने वाली, दूसरों को प्रोटेक्ट करने वाली। खैर जब अल्टीमेटली डॉक्टर स्ट्रेंज कैग्लियोस्ट्रो की लॉस्ट लाइब्रेरी को खोज ही लेते हैं और ओबैंग उसे समझता है कि हां ये वर्दी बंदा है तो वो उन ज्ञान के लिए किसी को भी मना नहीं करता, तो डॉक्टर स्ट्रेंज को भी अंदर आने के लिए कहता है और वो पूछता है कि आप इस लाइब्रेरी में कब तक रहेंगे और डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि जब तक जितना टाइम ना लग जाए। उन्हें दिखता है कि कैग्लियोस्ट्रो की सारी खोई हुई किताबें वहां पे हैं और उन्हें अपनी वो किताब मिली जाती है टाइम मैनिपुलेशन वाली। उसे पढ़ते पढ़ते अपने डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चलता है कि एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ टाइम को ब्रेक करना, मतलब कि उसे अल्टर करना एक्चुअली में एकदम लगभग इंपॉसिबल है मगर फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज को भरोसा था कि वो कर लेंगे। उसके बाद अगले ही पन्ने में उसे पता चलता है कि इसे अचीव किया जा सकता है और उसके अगले ही पन्ने में उसे पता चलता है कि उस पावर को ऑब्टेन करने के लिए उन्हें और भी बींग से पावर्स को अब्सॉर्ब करना होगा जस्ट लाइक ऑस्मोसियंस किया करते हैं। और उसके बाद फिर क्या, डॉक्टर स्ट्रेंज ने चार किताबें पढ़ी और उनको लगा भाई उनको सब आ चुका है तो वो डायरेक्टली टॉप लेयर बीस्टिक बींग्स पे चले गए कि भाई उनसे पावर्स उनकी मांगने की, भाई थोड़ा सा बोरो कर दीजिए, हमें थोड़ा काम है, शायद हम उसके बाद आपको वापस भी कर दे। मगर यहाँ पे ये मैटर है कि मिस्टिक बींग्स बहुत ही पावरफुल, वो पावर्स को बार्गेन नहीं करते, वो डायरेक्टली डोमिनेट करते हैं। और ये बात का पता भी अपने डॉक्टर स्ट्रेंज को काफी लेट से चला जब वो पलंग पे लमलेट हो चुके थे और वहां पे भाई ओबैंग ही उनकी केयर कर रहा था कि एक्चुअली में वो उनको समझाता है कि भाई मिस्टिक बींग्स कैसे वो पावर्स को बार्गेन नहीं करते। और डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि उनके पास वो है जो मुझे चाहिए, जिसकी मुझे जरूरत है। और ओबैंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि क्या ये सारी चीजें जो तुम कर रहे हो क्या
वो वर्थ है। प्यार तुम्हारा दिल भले तोड़ सकता है मगर वो तुम्हारा दिमाग को भी चकनाचूर कर सकता है। तुम्हें भक्ति और भ्रम में अंतर सीखना पड़ेगा। मगर फिर भी जैसे अपन को पता है डॉक्टर स्ट्रेंज हार मानने वालों में से नहीं है, वो दूसरा तरीका अपनाते हैं, छोटे से आगे बढ़ते हैं। अब खैर जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपना प्लान बना ही लिया था कि भाई छोटे से आगे बढ़ेंगे, एल्व्स, गॉड्स, बग्स, ड्रैगन्स, हर तरीके के जीवों की वो पावर को सोखते जा रहे थे, स्पेशली मिस्टिक बींग्स की, जो कि दूसरे डायमेंशन की बहुत ही पावरफुल मिस्टिकल बींग्स में से एक है। और जब यही सब करते करते अपने स्टीफन स्ट्रेंज पावर की और भूख में चलते चले जाते हैं, तब हमें इस कहानी में सबसे पहली बार अपना वॉचर देखने को मिलता है, जो कि और भी डिटेल में बता रहा है कि मैं जान रहा हूं कि ये गलत रास्ते पे चल रहा है और मैं रोक भी सकता हूं और इसे मैं बता भी सकता हूं, मगर मैं इसे बता के बाकी सारे यूनिवर्सों को खतरे में नहीं डालूंगा। और उसके इस स्टेटमेंट से ये बात समझ रहे हो कि बात खाली इसकी या इस यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने के नहीं है, बात है मल्टीवर्स की। मगर इस सीन में थोड़ी सी स्पेशल बात ये होती है कि अपने डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने वॉचर के रहने का थोड़ा सा आभास हो जाता है कि कोई है क्या बैकग्राउंड में, मगर फिर भी वो उसे नजरअंदाज कर देता है उस बात को, उसे और पावर जो चाह रही होती है, और उस पावर को बाकी सारे बींग से सोखने के दौरान में वो इतना लाल हो जाता है कि एक्चुअली में वो मेफिस्टो की तरह नजर आने लगता है। मगर खैर वो बातें दूसरी हैं। अपने पावर्स अब्सॉर्प्शन के फाइनल मोमेंट्स के दौरान के बाद में हमें ये देखने को पता चलता है कि ओबैंग एक्चुअली में बहुत ही बुढ़ा हो गया, मतलब कि एकदम अपने एब्सोल्युटली फाइनल मोमेंट्स में चल रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें अभी और ठीक कर सकता हूं, मैं तुम्हें और लंबे समय तक जीने को कह सकता हूं, या तुम हमेशा के लिए भी जी सकते हो अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं तो। मगर ओबैंग मना कर देता है, वो डेथ को चुनता है, उसने जीने को चुना था, वो जी चुका है, मगर अब और ज्यादा नहीं। डॉक्टर स्ट्रेंज जान रहे थे कि इस पावर को अब्सॉर्ब करने के लिए यानी कि प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें कई सारा टाइम लगेगा, तो उन्होंने अपने आप को सेंचुरीज यानी कि कई सौ सालों तक अपनी उम्र को वही फ्रीज कर लिया था। और ओबैंग के साथ इन्हीं सारी कॉन्वर्सेशन में उसे पता चलता है कि एक्चुअली में इसी यूनिवर्स में दो डॉक्टर स्ट्रेंज एग्जिस्ट करते हैं, और तब जाके हमें पता चलता है कि भाई दूसरे अपने डॉक्टर स्ट्रेंज का क्या वर्क था इसमें। और ठीक इसी बात का कनेक्शन अपने पास से आता है, जब एंशिएंट वन ने डॉक्टर स्ट्रेंज पे अपना मैजिकल पावर्स को यूज किया था, तो एक्चुअली में उस मोमेंट के दौरान में उस एंशिएंट वन ने डॉक्टर स्ट्रेंज के दो सेल्फ को स्प्लिट कर दिया था। दैट मींस कि एक ही यूनिवर्स में दो डॉक्टर स्ट्रेंज एग्जिस्ट कर रहे हैं। और तब जाके अपन को अच्छे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को देखने को पता चलता है, जब उसने पाथ वो चूज नहीं किया था, दैट मींस कि वो पास्ट में नहीं गया था अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए। और फिर कुछ ही टाइम के बाद अपन को और अच्छे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को भी देखने को पता चलता है कि उनकी सारी रियलिटी तो अब खत्म हो रही है। और इसी बात को मिस्टिकल तौर से एंशिएंट वन आके एक पोर्टल से समझाती है कि कैसे ये सारी चीजें वर्क कर रही हैं, तुम्हारा एक इविल ट्विन एग्जिस्ट करता है और उन्होंने ही ऐसा वो क्रिएट किया है ताकि तुम उसे खत्म करके इस सारी चीजों को ठीक कर सको, क्योंकि तुम ही ये सब कर रहे हो। तो अपने आने वाले खतरे से और भी बेहतर तरीके से निपटने के लिए वो वॉन्ग के साथ थोड़ा सा और भी बेसिक प्रोटेक्शन वाला स्पेल को यूज करता है ताकि वो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी पावर्स को सोख ना सके, एक ना हो सके दोनों। तो जब डॉक्टर स्ट्रेंज का वॉन्ग के साथ सीन खत्म ही होता है और वो जब उन्हें खोजने के लिए निकलने की बात कर ही रहे होते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि भाई अपने अच्छे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को बुरे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज ने खोज ही लिया है और वो उसे अपने पास ही बुला लेता है, क्योंकि भाई अपने बुरे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज की भाई पावर्स अभी भी अलग हुई है। जब तक वो दोनों साथ में नहीं होंगे, एज अ होल नहीं होंगे, वो अपनी सारी पावर्स को एक साथ यूज नहीं कर पाएगा अपनी गर्लफ्रेंड को वापस लाने के लिए। और वो उसे तो पहले अच्छे से समझाने की भी कोशिश करता है कि कैसे हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, क्या तुम उससे प्यार नहीं करते थे, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, एंशिएंट वन झूठ बोल रही है, हम सब कर सकते हैं। मगर फिर भी अपना अच्छा वाला डॉक्टर स्ट्रेंज एक अलग ही पाथ पे था। वॉन्ग ने उससे पूछा था कि क्या तुम उससे प्यार नहीं करते, क्या तुम सब करना नहीं चाहते हो, तो अच्छा वाला डॉक्टर स्ट्रेंज ही कहता है कि भाई उसे रोकना ही पड़ेगा क्योंकि ये यूनिवर्स ही खत्म हो जाएगा, तो बचाने का फायदा ही क्या होगा। मगर फिर भी दोनों एक दूसरे के लाख बार समझाने के बाद कोई एक दूसरे की बात नहीं मानता है और अपना इविल डॉक्टर स्ट्रेंज जल्दी सी पावर छीनने के ही चक्कर में उस पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा मारामारी होती है, काफी कूल फाइट्स होती हैं, मगर अल्टीमेटली अपना इविल डॉक्टर स्ट्रेंज अच्छे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी रेल में खींच ही लेता है। उसे धोखा देकर उसकी पावर्स को लेने के सोचता है, मगर फिर भी वो डॉक्टर स्ट्रेंज समझ जाता है कि हाँ ये धोखा दे रहा है, तुम असलियत में नहीं हो। मगर फिर भी इतनी सारी कोशिश करने के बावजूद भी अपना अच्छा वाला डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बच पाता है, इविल वाला ऑब्वियसली जीत जाएगा, भाई कितनी सारी पावर्स है उसके पास, उसका वो प्रोटेक्शन स्पेल कितनी देर तक काम करेगा। तो फिर क्या दोनों डॉक्टर स्ट्रेंज एक होने के बाद, मतलब कि वो अच्छे वाले का बुरे वाले में सोख लेने के बाद, अपना वो बुरा वाला डॉक्टर स्ट्रेंज एक्चुअली में अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन को तो वापस जिंदा ही कर लेता है, मौत के मुंह से दोबारा वापस ले आता है, मगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में वो डॉक्टर स्ट्रेंज अब वो नहीं रहा जो एक्चुअली में क्रिस्टीन के लिए वो हुआ करता था। वो वहां पे कसम से बहुत ही भयानक मॉन्स्टर की तरह दिख रहा है, जिससे क्रिस्टीन तक डर के भाग रही है, और वो बोलता भी है कि मैं सब ठीक कर सकता हूं, मैं तुम्हें दोबारा ठीक कर सकता हूं, तुम मेरे पास आओ, मगर वो उससे भाग रही होती है। और फिर यहां से कहानी का सबसे स्ट्रांग मोमेंट शुरू होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज को ये रियलाइज हो ही जाता है कि ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो क्रिस्टीन को बचाना चाहता था, मगर उसके चलते उसने पूरी दुनिया जहां को इग्नोर कर दिया और पूरा यूनिवर्स कोलैप्स करने लगा। और जब एकदम एंड खत्म वाले मोमेंट पे उसे रियलाइज होता है कि भाई उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और वो पूरे यूनिवर्स को कोलैप्स होने से बचा ही रहा था, अपनी क्रिस्टीन को बचा रहा था, तो उसे वॉचर नजर आता है। वॉचर से वो भीख तक मांगता है कि तुम उसे रोक सकते हो, तुम गॉड हो, मैंने तुम्हें सेंस किया था, मैंने तुम्हारे में पढ़ा था, तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो, दुनिया को सफर मत कराओ मेरी वजह से, क्रिस्टीन को सफर मत कराओ, मुझे पनिश करो।
करो, मैं इसका दोषी हूँ। मगर भाई अपना वॉचर इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो चाहता तो सब कुछ कर सकता है मगर वो कुछ भी इंटरफेयर करेगा ही नहीं। ठीक जैसा लास्ट के 3 एपिसोड से उसने शुरू से ही अपने आप को बताया है कि मैं सब कुछ देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, बता भी सकता हूँ, रोक भी सकता हूँ, मगर मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। और ये कसम से पूरे एपिसोड का सबसे ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग मोमेंट था, डॉक्टर स्ट्रेंज का भीख मांगना एक गॉड लाइक बींग से। कसम से एक कैरेक्टर की स्ट्रगल को दिखाता है कि वो कितना डेस्परेट है अपनी गलतियों को रियलाइज करके, मगर फिर भी इधर करी कह सकते हैं। वॉचर चाहता तो सब कुछ ठीक कर सकता था मगर वो करेगा ही नहीं क्योंकि वो उसका प्रोटोकॉल है। मगर क्या करें, ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज इधर हार गया, अपने आखिरी जर्रे जर्रे तक कोशिश करता है मगर वो बचा नहीं पाता है, ना क्रिस्टीन को बचा पाता है ना इस पूरे यूनिवर्स को बचा पाता है। वो अपने इस गलती के लिए माफी मांगता है, वो अपनी गलती को रियलाइज कर चुका है मगर वो अब कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, यहाँ तक कि यह भी नहीं बचा कि जिसपे वो अफसोस कर सके। और कहानी एंड होते होते वॉचर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी बात कहता है कि वन लाइफ वन मोमेंट और वन चॉइस पूरे के पूरे यूनिवर्स को बदल के या डिस्ट्रॉय करके रख सकती है। और इधर से मैं अपनी एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि एक सुपर हीरो जो होता है पूरी दुनिया को बचाने के लिए तुमको मार देगा, मगर एक जो सुपर विलन होता है पूरी दुनिया को खत्म कर देगा बस तुमको बचाने के लिए। खैर ये सारी बातें तो फिर हम कभी करेंगे, मगर ये एपिसोड कसम से दिल को छूता। मतलब कि इस एपिसोड के पास वो अपना दिल है, वो समझा पाती है अपने ट्रू इमोशंस को कि वो एक्चुअली में वो पाना क्या चाहता है, उस मोटिवेशन के लिए क्या कुछ नहीं कर गुजरेगा। और जब वो इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतनी कोशिश करने के बाद भी हार जाता है तो उसका मतलब ही क्या हुआ। खैर फिर भी जैसे को अपने पता था, वॉचर ने अपनी बात कही है कि वो अपने बाकी सारे यूनिवर्सेस को इस यूनिवर्स के स्टेक पे खराब नहीं कर सकता, इसीलिए उसने डॉक्टर स्ट्रेंज के इस यूनिवर्स को ठीक नहीं किया। और इसके अलावा तुम अपने इस एपिसोड के बारे में ओपिनियंस बताओ, मुझे तो पर्सनली बहुत ही खूबसूरत ये एपिसोड लगा। तुम अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताना कि तुम क्या फील करते हो, क्या तुम्हें ये इमोशनल कर पाया, क्या ये तुम्हें फील भी करा पाया, उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको स्टूडियो देखकर कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को, और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।